और कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो कि नहीं। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कमसीन हसीना की जो अपनी जवानी से आग लगा देती है और माहौल की गर्मी बढ़ा देती है। तो आज बात होगी वेब सीरीज में तहलका मचाने वाली और सबका दिल धड़काने वाली पीहू कनौजिया के बारे में। पीहू कनौजिया वेब सीरीज दुनिया की एक उभरती सितारा है जो अपनी एक अदा से ही महफिल लूट लेती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पीहू कनौजिया को बिजली गिराते किन किन वेब सीरीज में देख सकते हैं। तो अगर आप वेब सीरीज दुनिया की नई नई कमसीन हसीनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें। तो चलिए देखते हैं। जबरन ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई गई है शालिनी नाम की एक महिला की, जिसकी शादी सुमेर नाम के एक आदमी से हो जाती है। सुमेर एकदम पलंग तोड़ और हंसी जानवर जैसा सुहागरात मनाना चाहता है, वहीं शालिनी जोर जबरदस्ती पसंद नहीं करती और धीरे धीरे रोमांस की गाड़ी चलाना चाहती है। लेकिन सुमेर पलंग तोड़ सुहागरात मनाने के लिए पागल रहता है, इसलिए चोर बनकर अपनी वाइफ से ही मजे लेने लगता है। किंतु असली मजा तो तब आता है जब शालिनी को पता चल जाता है कि चोर बनकर उसके साथ पलंग हिलाने वाला उसका पति ही है। तो शालिनी अपने पति की मर्दानगी कैसे बाहर निकालती है, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखना होगा। तनविदा ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी अस्मिता नाम की एक महिला की है, जिसको शादी के 10 साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है। अस्मिता बच्चा पाने के लिए और आराम से पलंग हिलाने के लिए एक महीने के छुट्टी पर जाती है। अस्मिता अपनी छुट्टी के दौरान रानी नाम की एक कामवाली से मिलती है, जो शादी के बिना ही प्रेग्नेंट हो जाती है। रानी बदनामी के डर से आत्महत्या कर लेना चाहती है, लेकिन अस्मिता ऐसा होने नहीं देती है। दरअसल अस्मिता रानी के बच्चे को अपना बच्चा बनाना चाहती है और बदले में रानी को 5 लाख रुपया देने का वादा करती है। इस वेब सीरीज में रानी और अस्मिता के रोल में जलवा दिखा रही है पीहू कनौजिया और आयशा पठान। सुरसुरीली ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी एक लड़का और एक लड़की की है, जो सुहागरात मनाने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन इनकी शादी ही नहीं हो रही है। हौसी लड़के को मोहल्ले की कई सारी भाभियों से चद्दर में गदर मचाने का मौका आता है। उधर मालदार लड़की को भी कई लोग जन्नत दिखाना चाहते हैं और जवानी का मजा उठाना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये दोनों हौसी लोग शादी के बाद ही सुहागरात मनाना चाहते हैं। इस वेब सीरीज में निधि महावन के साथ धमाका के रूप में नजर आई है माही खान और पीहू कनौजिया। इस वेब सीरीज की कहानी और गर्मा गर्म सीन इतने खतरनाक है कि देखकर आप पागल हो जाएंगे। चरम सुख विदाई ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी गेंदा नाम के एक आदमी की है, जिसकी नई नवेली पत्नी चमेली इसके साथ रहने से इनकार कर देती है। चमेली अपने पति पे ये आरोप लगाती है कि उसका पति नामर्द है, जो उसे खुश नहीं कर पाता है। गांव की पंचायत और डॉक्टर भी ये साबित कर देते हैं कि चमेली सही है और उसका पति गेंदा एक नामर्द है। गेंदा अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अपनी साली बुआ और सासू माँ के साथ साथ गाँव की सरपंच के साथ भी कांड कर देता है। तो चमेली अपने पति को नामर्द साबित करने पर क्यों तुली है, यह जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। चरम सुख तवा गरम ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी दो दोस्त राज और सोनू की है, जो घर खाली होने की वजह से गंदी फिल्में देखने का और कुछ तूफानी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इनके प्लान में 4 चांद लगाने राज की बुआ सुरमई आ जाती है, जो इन दोनों के अंदर आग लगा देती है। राज और सोनू दोनों ही सुरमई बुआ को पाना चाहते हैं और इनके साथ सुहागरात मनाना चाहते हैं। ये दोनों सुरमई बुआ को खोपचे में लेने के लिए प्लान बनाते हैं और नए नए तरीके अपनाते हैं। किंतु कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सुरमई बुआ का पति इन दोनों को ही खोपचे में लेना चाहता है। इस वेब सीरीज में सुरमई बुआ के रोल में यादा दिखा रही है पीहू कनौजिया।